राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर किसी बात की परवाह किए बिना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। एक्टर ने हाल ही में अपनी दो फिल्में शिव राजकुमार की गोस्ट और रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव लॉन्च की है। एक्टर अपने दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने अपनी लाइफ से जुड़ी एक बात शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने एक रात लॉकअप में बिताई थी। अनुपम खेर ने चौंकाने वाली लेकिन एक मज़ेदार घटना को याद करते हुए कहा, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों के दौरान मैं इंडस्ट्री के लोगों को वीडियो होम सिस्टम दिखाता था और काम मांगता था। तो एक दिन मैं VHS वापस करने के लिए बांद्रा स्टेशन गया, क्योंकि जिस आदमी को मैंने इसे दिया था उसने मुझे इसे वापस लेने के लिए कहा था। इसलिए समय काटने के लिए मैंने स्थानीय रेलवे लाइन पार की और वहाँ एक सज्जन खड़े थे जिन्होंने मुझे अपना हाथ दिया। मैंने प्यार से उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ चढ़ गया, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इस मोड़ को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने खुलासा किया, मूल रूप से वह आदमी सादे कपड़े वाला पुलिस कर्मी था जो रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को पकड़ रहा था, और फिर वह मुझे पुलिस डिब्बे में ले गया जहां पहले से ही 50 लोग अपने हाथ पे रस्सियां बंधे हुए बैठे थे। इसलिए मैंने एक रात लॉकअप में बिताई थी और यह एक सच्चाई है, लेकिन इसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।